फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 4 to the power 4 to the power 4। देखो ऐसा तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन में भी गलती कर सकते हो। ये क्लियर है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखो। अगर सिंपली लिखा हुआ है 2 to the power 3 and 2 to the power 5 और लिखा हुआ है 2 to the power 3 and 2 to the power 5, तो इसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है। वो क्या है कि अगर a टू द पावर m एंड टू द पावर n है तो ये इक्वल होता है बच्चों a टू द पावर m इंटू n। ये क्लियर है? लेकिन अगर सिंपली लिखा हुआ है a टू द पावर m एंड उसके पावर n, तो इसका मतलब होता है कि ये a टू द पावर है, m को मल्टीप्लाई किया गया कितनी बार, m इंटू कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। ये क्लियर है? तो यहां पे वैल्यू क्या गिवन है, जैसे यहां पे 2 to the power 3 to the power 5 है, तो इसका वैल्यू आप सीधे ये मत लिख देना कि ये 2 to the power 3 into 5 है और बोल दो 2 to the power 15 है, ये गलत है। इसका मतलब होता है बच्चों सिंपली 2 to the power, सबसे पहले टॉप टू बॉटम आप अप्रोच रख दो। तो 3 to the power 5 का मतलब क्या होता है कि 3 into 3 into 3 into 3 into 3 कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 5 times। तो ये वैल्यू 2 to the power 3 to the power 5 ये इक्वल है 2 to the power जो 5 times मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 243। ये क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो सिंपली अगर मुझे इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है तो सिंपली ये रूट में वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा सिंपली 4 to the power 4 into 4 into 4 into 4। ये क्लियर है? तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 4 to the power, ये मल्टीप्लाई करो तो कितना है, ये हो जाएगा 256। ये क्लियर है? और 4 to the power 256 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, हाफ, तो ये हो जाएगा 4 to the power सिंपली 128। सो आई होप ये छोटी छोटी गलती आप नहीं कर रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स।